हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द आई एम गाय। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आप मुझे अपने स्टूडियो में, जो दो टाइप के स्टूडियोज में देखते हो, उसमें नहीं देख रहे हो। एक जिसमें पीछे कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं और एक जिसमें आपको पीछे मेरा पूरा घर का लिविंग रूम दिखता है। ये वीडियो थोड़ा अलग है। मुझे काफ़ी लोगों ने ईमेल किया कि थोड़ा आप अ डे इन योर लाइफ बताओ, आपका लाइफ कैसा रहता है, आप उसके बारे में वीडियोज़ बताओ। तो अ डे इन माई लाइफ बताने के लिए तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ माई डियर फ्रेंड्स जिनको इंटरेस्ट है, कि मैं तीन तरह की लाइफ जीता हूँ जनरली। एक, जब मैं अपने पापा के साथ दुकान में बैठता हूँ तो जनरली मैं सुबह उठ के मंदिर जाता हूँ, उसके बाद मैं दिन भर दुकान में बैठता हूँ 6-7 बजे तक। तो वो लाइफ का वीडियो तो मैं आपको क्या ही दिखाऊँ। उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, जिम से आने के बाद मैं रात को 9-10 बजे वीडियोज़ बनाता हूँ, जल्दी जल्दी एक टेक में वीडियोज़ बना लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर एक और ज़िंदगी मैं जो जीता हूँ कभी कभी, वो होता है जब मुझे कुछ कॉलेजेस बुलाते हैं कि अभिषेक सर या आई एम गाय, आप आओ थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करो या एक दो गेस्ट लेक्चर दे दो MBA कॉलेजेस में। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक MBA कॉलेज और मैंने सोचा कि अपना पहला वीलॉग, जो कि मेरे काफ़ी वीडियो से अलग है, वो बनाया जाए, आपको दिखाया जाए कि एक इन्फ्लुएंसर जनरली कैसा लाइफ जीता है, कैसे ट्रैवल करता है। तो अभी तो मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं किशनगंज रहता हूँ, यहाँ एयरपोर्ट है नहीं, इट्स अ टीयर 3 टाउन, तो द एयरपोर्ट इज़ इन बागडोगरा। आई जनरली पिक माई फ्लाइट्स फ्रॉम देयर, फ्लाइट वगैरह सब कॉलेज ने करा रखा है, और अभी कोई पिकअप भी करने आएगा, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। कॉलेज का नाम मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, तो आप इस वीडियो में बने रहो और देखो कि कौन सा कॉलेज जा रहा हूं, वहां मैं क्या करूंगा और कैसा रहेगा मेरा लाइफ। Lighting fires, she's lighting fires in my heart, man, koi hoi sapno mein phasa from the start like a lighter, chingari bani aag se hum dono ke beech hui aisi shuruaat, I'm a fighter। तो मैं अब आपको ये बताता हूं कि मैं आया क्यों हूं यहां पे। सबसे पहले मैं आपको होटल दिखाता हूं। जी, मैं एक कॉलेज आया हूँ, जो अभी भी अगर आप गेस नहीं कर पाए हो तो आप देखोगे, और इन्होंने मुझे कॉलेज के अंदर ही, इनका होटल है, तो दिस इज़ दी होटल रूम, और ये कॉलेज के अंदर ही है माय डियर फ्रेंड्स, कॉलेज के अंदर ही होटल है, इन्होंने मुझे ये रूम दिया है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। व्लॉगिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, पहली बार कर रहा हूँ, तो अभी मैं जाऊंगा, इनका एक सेशन है, पहली बार मैं एक सेशन कर रहा हूं ऐसा कुछ जिसमें फ़िज़िकली लोगों से इंटरेक्ट करूंगा। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा वीडियो तो बनाओ उनके लिए, तो मैं उनके लिए वीडियो तो बना रहा हूं, बट आई विल ऑल्सो बी एड्रेसिंग ऑल दी न्यू स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, उन्हें मैं बताऊँगा कुछ MBA के बारे में कि MBA में क्या करना चाहिए, आप क्या करके अपना MBA लाइफ को अच्छा कर सकते हो, जिससे आपको जो भी MBA से चाहिए, जॉब चाहिए या बिज़नेस करना है या कुछ भी अच्छा करना है, मस्ती करना है, तो अच्छे से कर पाओ, यही मैं उनको बोलूँगा। जैसा मैंने पहले बताया, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, सो इवन आई डोंट नो हाउ आई परफॉर्म, लेट्स सी हाउ आई डू दिस, थोड़ा मुझे बिगिनर्स लक और क्षमा और फॉरगिवनेस, अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो देना। अभिषेक जैन जी, आई एम गाय। मैंने ऐसे कुछ प्रिपेयर नहीं किया, यू कैन सी मैं 2018 बैच से मैंने MBA किया है, आई एम विशाखापट्टनम से, तो काफ़ी रिसेंटली मैंने MBA किया है। She's lighting fires in my heart, man, koi hoi sapno mein phasa from the start like a lighter। आपको जो मजा आता है वो करो, पर अपने आप से पूछो कि मैं 24 घंटे में कर क्या सकता हूं। So these are the only mantra to do well, और वो जल्दी करना होगा। रुकने मेरी बात अब तू सुन ले, करूं मैं अब याद वो ही दिन जब हम घूमते कैसी थी वो रातें, छुपे जो भी चाहतों की गहरी मुलाकातें, वो ही दिन जब हम साथ थे, गुजरे कितने दिन यूं ही ऐसे गम बना के, बिन रोए गुजरते रहे वो दिन, दिल होए नरम से तेरे बजम। दोस्तों, आई एम बैक फ्रॉम द स्पीकर सेशन, गेस्ट लेक्चर स्पीकर सेशन जो हुआ था अभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के MBA स्टूडेंट्स के साथ। मेरे लिए दोस्तों ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं जनरली YouTube वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे जो भी प्यार रिसेप्शन मिलता है वो कमेंट्स के थ्रू या लाइक्स के थ्रू मिलता है। कभी भी मैंने कोई ऑडियंस को ऐसे फिजिकली एड्रेस इतना नहीं किया था। मैं जाता भी हूँ कॉलेजेस, वीडियोस बनाता हूँ, तो बस वीडियो बनाने के लिए ऑडियंस रहती है, तो इतने लोग, पहला तो आपने देखा वो थोड़ा सा स्पीच, और सबसे मूविंग पार्ट था जब मैं स्पीच दे के निकला तो बहुत लोग आके मेरे साथ सेल्फी खिंचा रहे थे, मेरा कुछ लोग तो मेरा पैर भी छू रहे थे। तो मैं ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा और वीडियो आज यहीं एंड करूँगा, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए पहला इवेंट था ऐसा कि फिज़िकली मैं इतने सारे MBA MBAs के साथ जो
MBA एक्सपीरियंस थे एक महीना पहले और अभी MBA में घुसे हैं, शायद इसलिए इनका प्यार इतना ज़्यादा है अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो। आई थिंक दिस पीपल लव मी सो मच बिकॉज दे वर एक्सपीरियंस लाइक 10 डेज बैक एंड नाउ दे आर डूइंग एन MBA फ्रॉम LPU, सो आई थिंक विच इज़ वाई दे लव मी मोर देन अदर पीपल। बट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि डू नॉट गिव अ कॉन्टेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर गॉड लाइक स्टेटस। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आपका वीडियो देख के हमने LPU ज्वाइन किया। जी मेरा वीडियो तो देखो पर सिर्फ मेरे कहने पे कुछ मत करो यार। आई एम जस्ट आप गूगल में कुछ देखते हो तो उसके कहने पे थोड़ी कर लेते हो यार। अगर आप मुझे गूगल भी समझ रहे हो जबकि मैं गूगल का तो 0.1% भी नहीं हूँ, मुझे एज अ गाइड एज अ मेंटर समझो। जितना मुझे पता है मैं आपको हेल्प करूँगा, बट किसी को भी पेडेस्टल में मत चढ़ाओ। अपने माँ बाप को चढ़ाना है तो चढ़ा सकते हो, मैं तो बोलता हूँ किसी को भी पेडेस्टल में मत चढ़ाओ। आपका ज़िंदगी मैं आपके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं बेयर करने वाला यार। मतलब आप कोई स्टेप लो मेरी वजह से तो ऑफकोर्स मैं ऑथेंटिक रहूँगा। आज मुझे पता पड़ा है आज के एक्सपीरियंस के बाद कि आई हैव टू बी मोर ऑथेंटिक, आई हैव टू चूज़ माई ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स वाइजली, नॉट डू एनी स्पॉन्सरशिप ऐसे ही, एंड बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाऊँगा। लेकिन किसी भी इन्फ्लुएंसर को इतना पेडेस्टल मत चढ़ाओ कि वो फिर कुछ गलत ही बोल दे और आप अगर कर लो फिर आपका जीवन ख़राब हो जाए, ऐसा मत करो माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर द लव। अब तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, रुकूंगा नहीं। अब तो शेर ने क्या चख लिया है, खून चख लिया है, तो आई एम नॉट गोना स्टॉप मेकिंग वीडियोज नाउ। थैंक यू फॉर दिस लव, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव, कीप वॉचिंग दी आई एम गाय। मैं आपको ज़रूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा करवाऊंगा, आप मेरे वीडियोज़ देखते रहो। ऑल द बेस्ट।